अहमद, आपका सुबह सवेरे में स्वागत है। सुबह सवेरे देखने वाले दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार और अभिनंदन। अहमद, आपका सबसे पहला काम रंगीला था, तो क्या आप कहेंगे कि यह आपका सबसे अच्छा काम था? एज अ ब्रेक, हाँ, ब्रेक यानी रंगीला, क्योंकि मेरी पहली फिल्म रंगीला थी और वही मेरे लिए ठोस सबूत हो गई मेरे लिए कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, और लोगों ने मेरा काम पहचाना, उसे सराहा और उसे पसंद किया और मुझे एक इज्जत दी अपने दिलों में, एक छोटी सी इज्जत। क्या ये कहना ठीक होगा कि रंगीला ने कोरियोग्राफी में एक नया ट्रेंड सेट किया? वेल, ट्रेंड सेटिंग, आई थिंक ट्रेंड सेटिंग हो गई थी, क्योंकि जब हमने की थी ये फिल्म तो किसी ने हमें कहा नहीं था कि ये ट्रेंड सेटर होगी, सब ने ये कहा था कि ये होम सेटर होगी, तुम होम में बैठ जाओगे आफ्टर डूइंग दिस। लेकिन मैं उस टाइम नवा था और मेरे कुछ सोचने का ढंग अलग था, मेरे आइडियाज़ डिफरेंट थे, और राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि अहमद तुम अपने तरीके से काम करो, किसी की सुनो मत, मुझे तुम्हारा स्टाइल चाहिए। तो मैंने कहा ओके, एंड मैंने अपना स्टाइल किया और लोगों को काफ़ी पसंद आया, एंड शुक्रगुजार हूँ लोगों का, जो उन्होंने मेरी, जब मैं 20 साल का था, उन्होंने मेरी सोच को अपने हिसाब से एक मैच्योर सोच समझ के कबूल किया। अहमद, सरोज खान के साथ आपका रिलेशन कैसा है? सरोज जी और मेरे जो रिलेशन है, वो एक रिलेशन ऐसा है जो कभी बोलते हैं ना, अटूट बंधन टाइप होगा, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा अपने गुरु समझा है, अपनी माँ समझा है, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ जब से मैं 12 साल का था, मैं उन्हें जानता था, और आज भी जब हम लोग मिलते हैं तो मेरी, जब मैं शूटिंग करता हूँ तो मुझे मालूम है बाजू के सेट पे शूटिंग कर रहे हैं, तो मैं खुद उनके पास जाता हूँ उनसे मिलने, और वो मुझे दुआएं देती है, ब्लेसिंग देती है। वो अलग बात है कि हम लोग सेम फील्ड में हैं, काफ़ी क्लैशेस हुए थे बीच में, प्रेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे और मीडिया हाइप हो गया था, बट वो ना मैं चाहता था ना वो चाहती थी, लेकिन वो होता गया, बढ़ता गया, चलता गया। लेकिन आई फील हमारे रिलेशन आज भी ठीक है, वो भी मेरे घर पे आती है, मैं भी उनके घर पे आता हूँ, ईद में हम मिलते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे फ़ोन करती है, मुझे कभी दिल मिलने को दिल करता तो मैं हैदराबाद चले आता हूँ उनसे मिलने, रिलेशन आर स्टिल फाइन। अहमद, क्या आप म्यूज़िक वीडियोज़ को देख कर उन्हें कॉपी करते हैं या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं? हाँ, मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि कॉपी नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं रेफरेंस लेता हूँ, दैट्स अ वेरी सोबर वर्ड टू, मतलब एक इज्जतदार वर्ड है कॉपी का, क्योंकि इंसान सोचता है कितना सोचेगा, कुछ हद तक सोचेगा, और अगर वो लोग भी करते हैं तो वो लोग भी सोचते नहीं हैं, वो लोग भी कुछ देखते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर उसी को घुमा फिरा के पब्लिक को वापस देते हैं, तो हम भी वही करते हैं, उनको देखते हैं, उन्हीं से सोचते हैं और फिर घुमा फिरा के हम भी पब्लिक को देते हैं। अब वो पब्लिक के ऊपर है, उनको पसंद आता है, वो लोग इन्जॉय करते तो बस दैट्स इनफ फॉर अस। ऐसा नहीं चाहता, आई एम नॉट अ क्रिएटर, आई एम लोग, वी आर नॉट गॉड कि आसमान में बैठो तो यू सी रोज डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स आते हैं, अलग किस्म का चांद आता है, तो आई एम नॉट गॉड, आई कैन क्रिएट दैट, सो वॉट आई कैन डू इज सी द क्लाउड्स एंड लर्न मोर फ्रॉम द क्लाउड्स एंड गिव अ क्लाउड फॉर्मेट टू द क्राउड एंड द क्राउड लाइक्स इट एंड आई एम सक्सेसफुल। सो आई कैन से आई कॉपी, बट आई कैन से आई कॉपी, बट आई कैन से इट्स अ रेफरेंस। अहमद, जब आप अपने एक्टर्स से या एक्ट्रेसेस से डांस करवाते हैं तो क्या बहुत रिहर्सल करते हैं? नहीं, जितना ज़्यादा रिहर्सल कराएंगे उतना ज़्यादा इरिटेशन बढ़ता है, तो व्हेन आई गो ऑन द सेट्स आई लीव देम फ्री, एक छोटी सी मूवमेंट दिखाता हूँ, फिर उसको दो करता हूँ, फिर उसको पाँच करता हूँ, फिर उसको दस करता हूँ, वो लोगों को लगता है बस इतनी सी मूवमेंट थी, क्योंकि शुरुआत एक सी होती है, अगर मैं तुमको 10 दिखा दूँ और बोलो 10 के 10 रिहर्सल करनी तो लोगों को टेंशन होती है, दैट्स द वे टू टैकल दिस पीपल। अहमद, ताल की अगर हम बात करें तो ताल में बहुत सारे कोरियोग्राफर्स ने काम किया है, शामक डाबर ने भी काम किया है, तो उस फिल्म में काम करना आपको कैसा लगा? ताल में ऐसा था कि मैं बहुत खुश हूँ ताल से, बिकॉज मैं हर पिक्चर करता हूँ उसमें मुझे गाना मिलता है, इसमें स्टैंजा होता है, वर्स होता है और बोल होते हैं। ताल में ऐसा था कि सुभाष जी से मेरी बात हुई थी कि मैं चाहूँगा कि सब म्यूज़िक पीसेज मैं करूँ, क्योंकि उसमें ना स्टैंजा होंगे, ना वर्स होंगे, ना बोल होंगे, उसमें कोरियोग्राफी होगी। तो फिल्म में 4 म्यूज़िक पीस थे, वो चारों म्यूज़िक पीस मैंने किए, तो उसमें आई वॉज सो ओपन, क्योंकि उसमें कुछ भेदभाव और कोई किस्म की अदाएँ, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था, प्योर कोरियोग्राफी। तो जो फर्स्ट था ऐश्वर्या राय का इंट्रोडक्शन, अ बीट ऑफ पैशन टाइटल डांस, वो मैंने किया था, अनिल कपूर का इंट्रोडक्शन मैंने किया हूँ,
फिर अनिल कपूर का वो कंडक्शन कर रहा है वो मैंने किया हूँ, फिर ऐश्वर्या राय का ऑडिशन मैंने किया हूँ, और दो गाने किया हूँ फिल्म में, और फिर अक्षय खन्ना का गाना किया हूँ लास्ट वाला नहीं सामने. तो इट वॉज ग्रेट डिफरेंस एंड आई लव्ड वर्किंग इन ताल. अहमद, आपकी जो आने वाली फिल्में हैं उनके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं. आने वाली मेरी फिल्म है शूल है, खौफ है, खूबसूरत है, दिल लगी है, और हाँ फिलहाल तो अभी इतनी फिल्म है. वीडियोज़ में अभी हरभजन मान का एक वीडियो है, और मेरे दो तीन एड्स हुए वीडियो कॉन के, कोक के, और अ फ्यू मोर वीडियोज़ आई फील. राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल में आपने काम किया है, तो कौन सा गाना है जिसमें आपने काम किया? शूल में गाने दो ही हैं, तो अभी जो चल रहा है शिल्पा शेट्टी का गाना. अहमद, सुबह सवेरे में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया.